आप सब HIV के बारे में जरूर जानते होंगे और ये भी जानते होंगे कि इस बीमारी में इम्यून पावर कम हो जाता है और अगर वक्त रहते इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो कंडीशन एड्स तक पहुंच जाती है, जहां इम्यून सिस्टम पूरी तरह डैमेज हो जाता है। इस स्टेज में मरीज को बचाना नामुमकिन हो जाता है। लेकिन यहाँ आपको ये जानना भी बेहद ज़रूरी है कि अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो गया तो इसे एड्स की स्टेज पर पहुंचने से रोका जा सकता है। इसलिए इसके लक्षणों को जानना पहचानना बेहद ज़रूरी है ताकि वक्त रहते इसका इलाज हो सके। लंबे समय से लगातार बुखार बने रहना HIV का लक्षण हो सकता है, क्योंकि इस बीमारी में हमारी इम्यूनिटी पर अटैक होता है, जिस वजह से बॉडी बार बार बुखार को रोक नहीं पाती। लगातार थकान बने रहना भी HIV का लक्षण हो सकता है, क्योंकि इम्यून पावर कमज़ोर होने के कारण शरीर को ज़्यादा आराम की ज़रूरत होती है। फिर ज़रूरत से ज़्यादा आराम ना मिलने की वजह से थकावट रहना बट ऑब्वियस है। लगातार सिर दर्द या गला खराब रहना भी इस बीमारी का लक्षण हो सकता है, और कई बार तो सिर दर्द तेज भी हो सकता है जो लगातार दिन भर रात भर रहता है। इम्यून और रेजिस्टेंस पावर कम होने की वजह से शरीर आपको किसी भी बीमारी या इन्फेक्शन से बचा पाने में सक्षम नहीं रहता, जिसका असर स्किन के बाहरी सरफेस पे भी होता है, जिस वजह से स्किन पर रैसेस होना या घाव का जल्दी ठीक ना होना इस बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर किसी का वजन लगातार बेवजह घटता जा रहा है तो ये एक चिंता का कारण है। इस लक्षण को अनदेखा हरगिज ना करें। अगर आप रात में चैन की नींद नहीं ले पा रहे और किसी भी टेम्परेचर पर आपको बहुत पसीना आता है तो इस लक्षण को हरगिज भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि ये HIV का लक्षण हो सकता है। अगर आप कंसंट्रेशन में कमी महसूस कर रहे हैं या आपको लगता है कि आप किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे तो ज़रा सतर्क हो जाएं। दोस्तों, इन सातों लक्षणों को हमेशा अपने जहन में रखें, नज़रअंदाज करने की भूल ना करें, क्योंकि अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। वजह, ये कॉमन कोल्ड और फ्लू की तरह ही होता है। बी अवेयर, ध्यान रखें, मोर गेन नो पेन।